और वहीं भोपाल के पास सीहोर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लगाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सियासत जमकर हो रही है। सरकार मामले की जांच की बात कह रही है तो वहीं कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन कैंपस में ऐसी किसी घटना से इनकार कर रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों के हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लगाने और जुर्माना लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रह रहे छात्रों के एक दल ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसका विरोध दूसरे गुट के छात्रों ने किया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन से शिकायत कर दूसरे वर्ग के छात्रों ने अपनी मर्जी के तहत धार्मिक गतिविधि कैंपस में करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रबंधन ने यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसी किसी भी आयोजन पर रोक लगा दी। साथ ही हनुमान चालीसा पाठ करने वाले छात्रों पर जुर्माना लगा दिया। मामला गरमाने के बाद सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है और सीहोर कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। कोई जुर्माना नहीं होगा, हमने उनको संदेश दे दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। बच्चों को समझाइश जैसी चीज तो दी जा सकती है, हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। वही इस मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस मामले को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने में लगी है और यूनिवर्सिटी प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की है। देखिए, कांग्रेस मानती पूरा देश मानता है, अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मनाने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है और इसी का नाम भारत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्मों को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में को किसी तरह की आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और देश में सरकार ये चाहें तो इस पर कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वही मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है, विश्वविद्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान में इस प्रकार की तुष्टिकरण की नीति, भेदभाव की नीति अपनाई नहीं जाएगी। अगर इस प्रकार का उन पे जुर्माना लगाया जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच यूनिवर्सिटी में जाकर और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। यूनिवर्सिटी के डीन को मैं चेतावनी देता हूँ कि संस्कृति बचाओ मंच ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वही पूरे मामले में प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। प्रबंधन का कहना है कि हॉस्टल के कमरे में कई छात्र हुड़दंग कर रहे थे, जब पास वाले कमरे में रहने वाले स्टूडेंट्स ने इसकी शिकायत की तो 7 स्टूडेंट्स पर जुर्माना लगाया गया, हालांकि वो भी अब हटा लिया है। मगर हनुमान चालीसा जैसा कोई मामला ही नहीं है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या सामने आता है। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।